तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है मेरी। बहुत मतलब महीने हो चुके हैं, आज महीनों बाद मेरी वीडियो आ रही है। थोड़ा कंटेंट भी चेंज है एंड आपके लिए कुछ नया है। तो गाइस, आज हम एक फिश के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्लो फिश। ग्लो फिश, क्या आपको इसका दूसरा नाम पता है आपको? इसका दूसरा नाम है विडो फिश। ये एक विडो टेट्रा फिश है, बहुत ही ग्लो करती है पानी में डाल। जब आप इसे अपने एक्वेरियम में लाओगे बहुत ही मस्त लगेगी आपको। साइड में आपको दिख ही रहा होगा कितनी मस्त मेरे एक्वेरियम में घूम रही हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इसके कलर्स पे। जो इसका जो रंग है बहुत ही अलग, इसके रंग है बहुत सारे रंग है। ये नहीं कि एक ही वैरायटी में, जैसे गोल्ड फिश आती है रेड में रहती है, फिर और भी होते हैं गोल्ड फिश के। इसकी बहुत वैरायटी है और बहुत मस्त लगती है पानी में जाने के बाद, चमकीली सी लगती है एकदम। अच्छा, इसके जो रंग है वो बताता हूँ मैं आपको। एक ग्रीन होता है, साइड में आपको चार्ट दिख रहा होगा, एक ग्रीन कलर होता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक ग्रीन। एक होता है ऑरेंज कलर जिसे हम बोलते हैं सन बर्स्ट ऑरेंज। एक होता है कॉस्मिक ब्लू। ऐसे ऐसे इसके बहुत सारे कलर हैं। ग्रीन हो गया, ऑरेंज हो गया, ब्लू, रेड, पिंक, पर्पल, ऐसे बहुत सारे कलर्स हैं। और हो सकता है इंडिया से बाहर और भी ज़्यादा ऐसे कलर्स हों जो कि इंडिया में ना आ रहे हों। और ये फिश जो है ये इंडिया से बाहर से आती है। इंडिया में ये बाहर से, सारे जो यहाँ पे शॉपकीपर्स हैं एक्वेरियम वाले, वो बाहर से मंगाते हैं इंडिया से। और बहुत ही मस्त लगती है फिश एक्वेरियम में, बहुत चमकीली। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका टेम्परेचर, अगर आप फ़ारेनहाइट में देखते हो तो 68 to 79 फ़ारेनहाइट इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और 20 to 26 डिग्री सेल्सियस इसके लिए मस्त, मतलब बिल्कुल ही मस्त रहेगी। मस्त घूमेगी पानी में, मस्त मतलब बिल्कुल तैरेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल हेल्थी रहेगी आपकी फिश, चिंता मत करना। अब बात आती है ये एक सॉफ्ट फिश है या हार्ड फिश है, क्या इसे हम घर पे लाएं या ये जल्दी मर जाएगी सॉफ्ट फिश की तरह। गाइज, ये होती तो एक सॉफ्ट फिश ही है, लेकिन जैसे मोलीज होती हैं या आपकी गोल्ड फिश हो गई, अगर आप इनका जब पानी चेंज करते हो, एक्वेरियम साफ करते हो, तो पानी चेंज करना ही पड़ता है। अलग बकेट में आप इन्हें डालोगे गोल्ड फिशेज को, तो जल्दी मर जाती हैं स्ट्रेस में आके। लेकिन अगर हम बात करें विडो फिश की, तो गाइज अगर आप इनका एक्वेरियम साफ कर रहे हो, इन्हें बकेट में डाल रहे हो, स्ट्रेस में आएंगी, कोई वो बड़ी बात नहीं है, स्ट्रेस में आएंगी। आप स्ट्रेस हील ला सकते हो उसके लिए, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस हील डाल दिया, फिर जब आप नया पानी में डाल रहे हो तो स्ट्रेस हील डाल दिया। लेकिन बात आती है क्या स्ट्रेस में आके जल्दी मर जाएंगी, स्ट्रेस हील भी इतना काम नहीं करेगा। ये जो फिश होती है इसे मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती अगर आप पानी इसका चेंज कर रहे हो, अगर आप मोली में स्ट्रेस हील डाल रहे हो। एक बार को स्ट्रेस हील जो है इनका स्ट्रेस से रिलीफ करेगा उन्हें, तो मोली क्या पता मर जाए, गोल्ड फिश क्या पता मर जाए, बट जो ये विडो फिश है, ग्लो फिश आप इसे कहते हो, ये नहीं मरेगी, इतनी जल्दी नहीं मरेगी पानी चेंज करने से। ये स्ट्रॉन्ग फिश होती है, चाहे है ये सॉफ्ट लेकिन स्ट्रॉन्ग होती है। गाइज, अब बात आती है हम इसे खाना क्या खिलाएं। अब जो मेरी आप फिशेज देख रहे हो साइड में एक्वेरियम में, ये हेल्दी हैं इस टाइम, बड़ी भी हो रखी हैं, 2 इंचज लगभग, नहीं नहीं अभी 1.5 इंचज की हो गई होंगी मेरी, ठीक है। तो और इसका जो साइज़ है ना, साइज़ 3 इंचज का होता है, हमारी एक उंगली लगभग हो जाता है इनका साइज़ इतना। अब जो मेरी है लगभग 1.5 इंचज की मेरी फिशेज़ हैं, कुछ छोटी भी हैं क्योंकि मैं नहीं लाया हूँ अभी, और कुछ बड़ी बड़ी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इन्हें क्या खिलाता हूँ। गाइज, ये मेरा कुछ ऑप्टिमम का फूड है जो मैंने खिलाता हूँ इस टाइम। मेरे 2 पैकेट भी खत्म होने वाले हैं, देखो मैंने मंगाए हुए हैं ऑप्टिमम का 3-in-1 फूड। बहुत ही बेस्ट है, कोई भी फिश लाओ, चाहे वो सीक्रेट वैरायटी हो, हार्ड फिश हो, कुछ भी हो, मोल फिश भी खा लेगी, गोल्ड फिश भी खा लेगी। बेस्ट खाना है ऑप्टिमम का 3-in-1 बेस्ट खाना है, जो कि कुछ ऐसा होता है। आपको मैं कुछ इसके पीसेस दिखा देता हूँ, कुछ मतलब ग्रीन सा कलर है ऐसा, आप देख रहे हो अगर दिख रहा हो तो, कुछ ग्रीन सा कलर है, कुछ ऐसा इनका खाना है। ये एक फिश के कलरेशन के लिए बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत अच्छा, बहुत जल्दी फिश का कलर अच्छा आएगा, बहुत ही जल्दी फिश ग्रो होगी। ये नहीं कि एकदम फिश को ग्रो कर देगा और ख़त्म करवा देगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छा खाना है। आप यही खिलाओ, दिन में 2 बार खिलाओ, एक बार सुबह एक बार शाम को। मोस्टली एक फिश को आप 4 पीस देना, एक फिश को 4 पीस दिन में 2 बार, एक सुबह एक शाम। अब जो ये फिशेज खाती हैं, एक तो हाई क्वालिटी का फ्लैक फूड खिलाओ इन्हें, फ्लेक्स फूड, ठीक है। एक माइक्रो पैलेट फूड भी आते हैं ऑप्टिमम ऑप्टिमम के, ऑप्टिमम 3-in-1 हो गया, ब्लड वर्म्स हो गए, श्रिम्स हो गए, ये सब कुछ इनके कलर के लिए बेस्ट है। आपने देखा ना कितने सारे कलर की ये होती हैं, ग्रीन, ऑरेंज वगैरह वगैरह, ये सब इनके कलर के लिए बेस्ट है। अब जो मैं मंगाता हूँ ये एक श्रिम्स है, अभी मेरी फिशेज ने खाना ही शुरू नहीं करा है, तो इन्हें कैसे आपको शुरू करना है? श्रिम्प ऐसे खाना नहीं शुरू करेगी फिशेज, विडो फिश ऐसे खाना नहीं शुरू करती श्रिम्प। आपको इस श्रिम्प्स का मैं दिखा देता हूँ, ये श्रिम्प्स है मेरे, दिख रहा हूँ आपको, तो इन श्रिम्प का चूरा करना है बिल्कुल, इन्हें पीस देना है अच्छे से। फिर जो आपका ऑप्टिमम का कोई भी अगर आपका जो फूड है, फ्लेक फूड हो गया, कुछ भी हो गया, साथ में उनके मिलाना है एंड आपको एक्वेरियम में डाल देना है। धीरे धीरे शुरू करेगी श्रिम्प खाना एंड फिर वो खाने लग जाएगी, जैसे ब्लड बॉम्स हो गए वगैरह वगैरह सब कुछ खाएगी फिश। अब हम बात करते हैं इनके डिसीज़ के बारे में। इनको जो मोस्ट जो डिसीज़ है, खाली एक ही डिसीज़ हो सकती है, और डिसीज़ हो सकती है बट इतना ज़रूरी नहीं है कि इन्हें डिसीज़ होएगी वो वाली, बट जो मेन डिसीज़ है वो है वाइट स्पॉट डिसीज़। इसके लिए आपको मिथाइल ब्लू आता है,
आपको उसकी 5 ड्रॉप्स डालनी है, चाहे आप कोई सी भी कंपनी का ले लो, एपीआई बेस्ट कंपनी है एपीआई का ले लो, या फिर हमारा हो गया रिडोल, आप रिडोल कंपनी का भी ले सकते हो, बेस्ट कंपनी है दोनों, एपीआई रिडोल सब लोग यूज़ करते हैं, लोकल वैराइटीज़ बहुत आती हैं, प्लीज़ सस्ती भी होती है इसे लोग प्रीफर कर लेते हैं, लेकिन आप लोग मत करो अगर आप अपनी फिश को बचाना चाहते हो। उसे आप एंटी इच भी बोल सकते हो, एंटी इच की दवाई दे दो भाई, शॉपकीपर से आप बोल सकते हो भाई एंटी इच की दवाई दे दो, हो सकता है वो आपको लोकल पकड़ा दे अपने प्रॉफिट के चक्कर में, लेकिन नहीं, आपको नहीं लेनी, आपको रेड ऑल या फिर एपीआई ही कंपनी का लेना है, बेस्ट है आपके लिए, आपकी फिशेज के लिए बेस्ट है। यही बीमारी है जो हो सकती है आपकी वीडो फिश को, वरना कोई बीमारी नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फिश है, ले आओ घर पे। अब बात हम करते हैं इनके टैंक मेट्स के बारे में, इनके टैंक मेट्स क्या क्या हैं। मेरे फिश, आप मेरा एक्वेरियम देख रहे हो, मेरे में खाली एक मोली है, मतलब एक नहीं कुछ 5 मोलीज है मेरे में, और देख रहे हो आप मेरा एक्वेरियम, 5 मोलीज है मेरे में, वीडो फिशेज हैं। अब आज जो आप भी रख सकते हो, बताता हूँ मैं साथ में इनके क्या क्या रख सकते हो टैंक मेट्स। गोरामी हो गई, ड्वार्फ गोरामी, मोलीज हो गई, या फिर कार्डिनल टेट्रा हो गई, या फिर नियोन टेट्रा हो गई, टाइगर बार भी ला सकते हो आप, मेरे पास टाइगर बार भी है इस टाइम, कुछ येलो और ब्लैक कलर में भी आती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं टाइगर बार्ब के भी, आप इनके साथ में रख सकते हो। अब बात आती है कि अब हम वीडो फिश के लिए कितना बड़ा एक्वेरियम लें, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना छोटा, इतना सा, या एक बाउल में भी रख सकते हैं। गाइस बाउल में तो आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि वीडो फिश को जो है ऑक्सीजन चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि वीडो फिश ऑक्सीजन नहीं लेती है, आप भी लेते हो ऑक्सीजन, हम भी लेते हैं, वीडो फिश भी लेती है, सारी फिशेज लेती हैं। अब बात करते हैं कि हम कितने लीटर पानी में हम वीडो फिश को रख सकते हो। गाइज मिनिमम जो है 7 गैलून, नेट पे लिखा है 10 गैलून, 10 गैलून मीन्स 40 लीटर वाटर है ना, क्योंकि 1 गैलून में 4 लीटर होता है अप्रोक्सीमेट है ना, तो 40 लीटर वाटर में आप रख सकते हो इसे। अब जो मेरा एक्वेरियम आप देख रहे हो, 2.5 फीट का मेरा एक्वेरियम है, देख रहे हो आप, तो इसमें मिनिमम जो मेरा पानी आ जाता है वो 150 लीटर के आसपास मेरा पानी आ जाता है, तो मेरी फिशेज जो है आराम से घूम लेती हैं, लेकिन आप भी प्रीफर करो कि बड़ा रखो एक्वेरियम अपना, ठीक है। अब जो है आप जब भी कभी वाटर चेंज करते हो तो एक मोस्ट, एक जो दवाई है, दवाई नहीं है वो, पानी में डालना ही डालना है, अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हो तो एक एंटी क्लोरीन नाम से दवाई आती है, वो भी रिडोर या एपीआई कंपनी की आपको मिल जाएगी, जरूर जब भी पानी चेंज करो तो एक वो एंटी क्लोरीन और एक स्ट्रेस हील डाल लियो, जरूर डाल लेना आप लोग, साथ साथ एंटी ईच की कुछ ड्रॉप्स डाल देना, 5 ml के आसपास ड्रॉप्स डाल देना, अगर आपका एक्वेरियम बड़ा है कम से कम 1 फीट का तो होना चाहिए, 5 ml अगर आप डाल रहे हो तो, 10 फीट और 10 ml डाल रहे हो तो कम से कम आपका 2 फीट का होना चाहिए एक्वेरियम। अब गाइस बात आती है इसके प्राइस के बारे में कि इसका प्राइस क्या है। गाइस इतना एक्सपेंसिव नहीं है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप मिनिमम देखो तो आपको 70 रुपीज़ की 2 पीस मिल जाएगी, मतलब पेयर, मेल फीमेल का पेयर देगा नहीं देगा दुकानदार पता नहीं, दुकानदार देखते हैं फीमेल सस्ता पड़ रहा है दे दो 2 फीमेल, आपको क्या पता, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि हमारी ये मेल या फीमेल है ना, मेल फीमेल की बात भी हम करेंगे वीडियो फिश की, वो आपको साइड में पिक लगा देंगे, कैसे आप देख रहे होंगे ये हमारी फीमेल है और ये मेल है, फीमेल थोड़ी सी मतलब उसके जो फिन्स होते हैं बड़े होते हैं और जो मेल है वो छोटा होता है, ठीक है गाइस साइड में फोटोज देख रहे हो। अब बात आती है कितने की है ये, क्या ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है जो स्ट्रॉन्ग है इतनी है ना। गाइस ये मिनिमम 70 रुपीज़ की 2 मिल जाती हैं, पेयर मिल जाता है, अगर आप ज़्यादा अच्छी लेना चाह रहे हो रेड कलर में, रेड कलर महंगा मिलता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 90 रुपीज़ की 2 देगा, 90 रुपीज़ की 2 रेड वाली, सस्ती रहती हैं, ग्रीन येलो हो गई पिंक हो गई, ये आपको 70-80 में मिल जाएगी आपके लोकल मार्केट में। और गाइस फीडिंग आपने देख लिया है कि एक से लेके 2 बार दिन में, एक से लेके 2 बार मतलब एक सुबह एक रात को, जैसे आप खाना खाते हो सुबह रात, शाम को तो ऐसे ही स्नैक्स चलते हैं, सुबह रात का खाना डालो बहुत है इनके लिए। अब आप पीएच लेवल देख लो, 6.5 to 7.5 इनके लिए बेस्ट है पीएच लेवल, आप मेजर कर सकते हो, एक पीएच लेवल के पेपर्स आते हैं वो डालो एंड आप मेजर कर सकते हो। अब गाइस हम बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग के बारे में। गाइस ये एग ले करती हैं सीधा, डायरेक्ट मोली की तरह बच्चे नहीं देती हैं, ये एग ले करती हैं, एग देती हैं अपने, आपको उन एग को अलग करना पड़ेगा वरना ये एग्स में दिक्कत कर देती हैं कई बार। अब बात आती है जब हमारी फ़िश है हम उसकी हेल्थ चेक कैसे करें कि हमारी फ़िश ठीक है या नहीं है, हम जो शॉपकीपर से लाए हैं क्या वो 2 दिन बाद भी ठीक है या नहीं है। अब गाइस बात आती है आपने खाना डाला, आपको सिर्फ 5 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर देखो क्या वो फ़िश भाग के खाना आए के पकड़ रही है नहीं पकड़ रही है, अगर वो स्लो स्विम करके आ रही है मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें है, अगर आप चेंज करा सकते हो तो मैंने कई हमारे से चेंज करा के ले आओ, क्योंकि ये जो फिश है जल्दी से खाना पकड़े नीचे आ जाती है, बहुत जल्दी खाना पकड़ के नीचे आ जाती है, यानी कि स्लो स्विम करते हुए आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब और दूसरी बात क्या है, क्या ये फिश जो ये एक्टिव रहती है मतलब 24 आवर, मेरे से कम 20 आवर से एक्टिव रहती है, घूमती रहती है, ये सिर्फ 4 आवर का, रात को जब आप लाइट्स ऑफ करोगे तो थोड़ा सा रेस्ट कर लेगी, नीचे बैठ जाएगी कोई बात नहीं, सोएगी कोई बात नहीं, आराम करती हैं, सोती नहीं है बस आराम करती हैं,
मिनिमम ये 2 घंटे आराम करती हैं, उससे ऊपर नहीं। अगर आप नेट पे देखोगे तो खाली 2 घंटे का ही है, वरना ये 24 घंटे घूमती रहेंगी, बिल्कुल ऊपर नीचे आती रहेंगी, घूमती रहेंगी। एक बात और है, ये बहुत खेलती भी हमारे साथ। आप इनके पास हाथ लेके जाओगे, दूध भाग जाएंगी आपके हाथ से। ये आपके फिंगर इतनी जल्दी फॉलो नहीं करेंगी। आप इन्हें रोज खाना खिलाओ तो क्या बताए फॉलो आपकी फिंगर कर लें। मेरी फिश तो अभी फॉलो नहीं करती, मेरी फिंगर, मैं हाथ लगाता हूँ दूर भाग जाती हैं। और उनके आप फिंस देखो, जब आप दुकानदार से ला रहे हो, क्या उनके फिंस टूटे तो नहीं हुए? अगर टूटे हुए हैं तो वहीं वापस करे और नहीं ले आओ। ऐसा हो सकता है कि उसे फिन रोट हुआ हो और आपकी और फिशेज को फिन रोट कर दे, दिक्कत आ जाती है ना। उसे भी ठीक करने के लिए फिन रोट्स की दवाई आती है, लेकिन अब जब अगर हम नई दवाई लाए हैं, नई फिश लाए हैं, तो क्यों हम दवाई दें भाई, चेंज करा लो। और अगर आपकी फिश नीचे बैठी हुई है या बिल्कुल ऊपर आके सांस ले रही है, मतलब कुछ ना कुछ उसे दिक्कत है। अगर चेंज करा सकते हो, अभी नई आई है तो चेंज करा लो, वरना दवाइयाँ तो बहुत आती हैं, दवाइयाँ देके क्यों मारना है। प्यार से ठीक करना आपको सिखाएंगे फिश को, सारे फिशेज का वीडियो देंगे हम आपको। और जो ये वीडियो फिश है, बहुत ही ईजी होता है इसकी केयर करना, बहुत ईजी, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगी, बीमार हो के स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी रहेगी। मुझे भी हेल्दी रखो, मेरा सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो मेरी वीडियो, मैं भी हेल्दी रहूँगा ऐसे ही ऐसे ही, मुझे भी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक करो, फैला दो मेरी वीडियोस, आज से शुरू करा है मैंने फिशेज की वीडियो बनाना, आती रहेंगी, डेली आएंगी वीडियोस, अब चिंता मत करो, डेली आएंगी। लाइक करो चैनल, सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, नाम नीचे आ गया होगा। बाय बाय गाइज़।